तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी डायरेक्ट लोन ग्रोथ के बारे में कुछ डिटेलिंग में। ये वीडियो है तो वीडियो का आपको एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर आपने थंबनेल में देख लिया है कि यहाँ पर इसने जो है मतलब ये इसी का रिटर्न था जो आपने देख लिया ना, एक ही दिन में इसने जो है 5% का लगभग जो है माइनस में यहाँ पर रिटर्न दिया था। जो आप देख रहे हो ना, इसकी नेटवर्थ 176 की, तो ये आकर गिर गई थी 172 पर, ठीक है ना। तो आप इसकी जो है मतलब कि 159 रुपये की यहाँ पर जो है इसकी एक यूनिट यहाँ पर मिल रही है अपने को, है ना। तो वो चलो ठीक है, बट काफ़ी लोग जो है मेरे यूट्यूब वीडियोस के कमेंट में आकर करते थे कि मैंने जिस फंड में यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करे हैं वो बेकार है और उसकी जगह आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये भी जो है माइनस में रिटर्न देगा, दे रहा है अभी तो फ़िलहाल। एक मंथ में भले इसने 5.2.0 रिटर्न दिया हो, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं वो कभी कभी जो है नीचे गिर जाते हैं। सिंपल और सरल भाषा में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं रहता है कि हर एक म्यूचुअल फंड आपको साल में 200-300% रिटर्न दे दे। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग जो है अमीर बन जाते। तो म्यूचुअल फंड में स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है। इन्वेस्ट का मेरा मतलब ये रहता है कि मतलब कि आपको भैया पैसे इन्वेस्ट करके भूल जाना है। अगर आपको मतलब महीने में 5% रिटर्न भी मिल रहा है तो बहुत है, क्योंकि FD में जो है हमको एक साल में 5% रिटर्न मिलता है और यहाँ पर एक मंथ में। अगर एक साल में हमने 2 या 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, मान लीजिए 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं और अगर 100% रिटर्न मिलता है तो 5 लाख के 10 लाख हो जाएंगे। तो मतलब कि 100% लगभग जो है ये रिटर्न दे देते हैं, बट 100 नहीं दें, 70, 60, 65 जितना भी रिटर्न दें वो हमारे लिए ठीक रहता है, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। अभी आप ये बताओ मेरे को, कमेंट में जवाब देना कि साल भर में अगर आपको 1 लाख रुपए पर 50,000 रुपये फ्री मिल रहे हैं तो क्या वो बेकार हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके बताना। तो म्यूचुअल फंड का यही रहता है कि आपको स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना रहता है, तो कभी भी रिटर्न मिल सकता है प्लस में और कभी भी माइनस में चला जाता है, बट आपको अपना जो पैसा इन्वेस्ट करा है वो नहीं निकालना चाहिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।